हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू शांतनु मोबाइल केयर चैनल। सो फ्रेंड्स, मेरे हाथ में ये आप देख सकते हैं ग्लू रिमूवर मशीन, ठीक है। और इसमें क्या क्या फैसिलिटी है मैं पहले ये आपको बता देता हूँ। ये इसमें आपका दो स्विच है, ठीक है। आपका ये सिंगल वाला स्विच है जो आपका क्लॉक वाइज रिमूव होगा, और ये आपका मेन स्विच है, ये दबाने से आपका मूव होगा क्लॉक वाइज। और ये आपका नीचे वाला जो स्विच है, ये वाला दबाने से होगा आपका एंटी क्लॉक वाइज रिमूव होगा, ठीक है। एंटी क्लॉक वाइज ये आपका होगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपका जो एलसीडी है, एलसीडी में जो ग्लू होता है, वो ग्लू को रिमूव करने में आपका मदद करता है ये जो आपका मशीन है। जैसे कि बेसिकली फ्रेंड्स, आप लोग हाथ से भी वॉश कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं एलसीडी को, लेकिन इसमें आपका रिस्क होता है। अगर इसमें आप लोग थोड़ा भी ज्यादा दबा दिया तो उसमें क्या होगा, आपका एलसीडी टूट जाएगा या ब्रेकेज होने का चांसेस है, और कभी कभार क्या होता है आपका स्पॉट भी हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपका जो स्पीड है, यहाँ पर जो आपका एक मोटर दिया हुआ है स्पीड को बढ़ाने के लिए, कमाने के लिए, अगर आप लोग इसमें ऐसा मूव करेंगे तो ये आपका स्पीड बढ़ जाएगा, मैक्सिमम स्पीड और ये आपका मिनिमम स्पीड। तो जितना स्पीड आपका जरूरत है उसी स्पीड से आप लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आप लोग को इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स में बताऊंगा कैसे आप लोग क्लीन कर सकते हैं, और आप लोग को डेमो भी दूंगा। और ये वीडियो देखने के बाद में आप लोग खुद डिसाइड कीजिए कि ये मशीन आप लोगों को परचेस करना चाहिए कि नहीं। मैं नहीं बताऊंगा कि ये अच्छा है, ये आप लोग परचेस कर लीजिए, आप लोग खुद डिसाइड कीजिए वीडियो देखने के बाद। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरा हाथ में ये सैमसंग J7 प्राइम का LCD है। सो मैंने इसका ग्लास रिमूव कर दिया है। अभी इसमें थोड़ा सा OCA ग्लू बोलता है, OCA ग्लू लगा रहा हूँ। OCA ग्लू लगा के आप लोग इसका जो ग्लू है, ग्लू को रिमूव कर सकता है। नहीं से डायरेक्टली भी रिमूव होगा, लेकिन उसमें LCD लगा टूटने का रिस्क ज़्यादा है। और ग्लू लगाने से इसका जो ग्लू है सॉफ्ट हो जाएगा, और आपका जो मशीन है ग्लू रिमूवर, इससे देखिए आसानी से रिमूव हो रहा है। आपको थोड़ा सा जस्ट ग्लू लगाना है और मशीन को ऑन करके ऐसे लगाना है। ये देखिए ऑटोमेटिक आपका ग्लू रिमूव हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि फ्रेंड्स, बहुत ही इजीली आसानी से आपका ग्लू रिमूव हो जाता है, और LCD में प्रेशर देने का ज़रूरत ही नहीं है। और अगर आप लोग हाथ से ग्लू को रिमूव करेंगे तो नॉर्मली क्या होता है कि आपको LCD में अगर थोड़ा भी ज़्यादा प्रेशर गिर जाएगा तो आपका LCD टूट जाएगा, ठीक है। तो इससे देखिए एकदम आसानी से आपका रिमूव हो रहा है। और मैंने आपको बताया था दो स्विच होता है, अगर एक एंटी क्लॉक वाइज और एक क्लॉक वाइज आपका मूव होता है। तो जैसे आपका मतलब ज़रूरत है उसी हिसाब से आप लोग इसको मूव कीजिए। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू।